आज सुबह 2:30 बजे सबकी निगाह नोएडा के उस ट्विन टावर पर टिकी हुई थी जिसे आज बारूद से धराशाही कर दिया गया। ट्विन टावर गिरने पर लोगों ने पूरे देश में इस तस्वीर पर जश्न मनाया। कहा गया कि यह भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा टावर था, गगनचुंबी इमारत, वो धराशाही हो गया। इसके धराशाही होने के बाद हर जगह जश्न ही जश्न दिखी। बात करें सोशल मीडिया पर तो हर जगह आज इसी तस्वीर और वीडियो की चर्चा हो रही है। वीडियो आपको फर्स्ट बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर पहले भी दिखाया गया जिस वक्त ब्लास्ट करके ट्विन टावर को गिराया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर यह बिल्डिंग क्यों गिराई गई। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर इस बिल्डिंग को गिराए जाने के बाद अब तरह तरह की बातें क्यों हो रही है। कुछ लोग इस बिल्डिंग को गिराए जाने के बाद जश्न मना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह बिल्डिंग गिरने से जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन साहब, तकरीबन 10 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यह बिल्डिंग गिराने का फैसला हुआ। सवाल बड़ा है कि आखिर नोएडा के उन पदाधिकारियों के कान पर जू 10 सालों पहले क्यों नहीं रेंगी। इतने बड़े गगनचुंबी इमारत बनाने में सालों लगते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उस वक्त कौन से परमिशन पे ये गगनचुंबी इमारत खड़ा होते गया और फिर ये बना भी तो कैसे? आखिर क्यों इसे कोर्ट से गिराने का आदेश निकाला गया? कहा जा रहा है कि 10 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार नोएडा में बने सुपर टेक बिल्डर के द्वारा ट्विन टावर जमींदोज हो गया। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रह रहे लोगों ने इस टावर के निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में ही ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसे पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद आखिरकार आज इस ट्विन टावर को धराशाही कर दिया गया। जिस जगह पर आज 2:30 बजे के पहले गगनचुंबी इमारत हुआ करती थी, उस जगह पर अब अंबार लगा हुआ है मलबे का। जब यह इमारत जमींदोज हो रहा था उस वक्त उस इलाके में जो आवाज़ हुई, उसके बाद धुएं का जो अंबार निकला, जो उस ब्लास्ट के बाद की जो आवाज़ है उस पर लोग जश्न मना रहे थे। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को बनाने में जितने रुपए खर्च हुए हैं उसी प्रकार इस बिल्डिंग को गिराने में भी सरकार को उतने ही पैसे खर्च करने पड़े हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए पिछले कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी और अब इसे गिरा दिया गया। गिरे हुए जगह के मलबे साफ भी कराने हैं, इसे लेकर भी कई तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि देश में यह इमारत भले ही सबसे लंबी इमारत होने का खिताब अपने नाम की हुई हो, भ्रष्टाचार के इस इमारत पर भले ही कानून का जो डंडा है वो चला है, बिल्डिंग धराशाई हो गई, अब कोई भी बिल्डर इस तरीके से जो गड़बड़ी करके गगनचुंबी इमारत भले ही नहीं बनाएगा, लेकिन सवाल अब भी शासन और प्रशासन पर जरूर उठता है कि आखिर उन्हें इसे बनाने की हिम्मत कहाँ से आई। करोड़ों रुपए आज बर्बाद हो गए, एक तो बनाने में, दूसरे इस बिल्डिंग को गिराने में। लेकिन इसके साथ ही कई लोगों की उम्मीदें भी टूट गई जो इस बिल्डिंग से जुड़े हुए थे, और कई लोगों की उम्मीदें आज एक बार फिर से जग गई है, क्योंकि जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था उनकी जो लंबी लड़ाई थी उसकी आज जीत हुई है।